तो हेलो दो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। गाइस आज का वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग कहीं से भी इस वीडियो पे या इस चैनल पे क्लिक करके नए आए हो या तो आप पुराने हो और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिए ताकि आपको मेरे फ्री फायर के लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहे। जैसे ही मैं उनको अपलोड करूं आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये फ्री होता है गाइस, तो आप लोग इतना तो काम मेरे लिए कर ही सकते हैं। हल्का सा करना है, बस सब्सक्राइब कर दो, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को दबा दो। तो आइए गाइस बात करते हैं वीडियो की। आप लोगों ने जैसे कि टाइटल तो देख ही लिया रहेगा कि पिंक डायमंड्स का जो रिडीम का ऑप्शन होता है वो हो चुका है गायब फ्री फायर से। वो किधर गया, कहां गया, कब आएगा, कुछ चेंजेस होने वाले हैं या नहीं, ये सब मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल ही जाए और वो भी मतलब थोड़े मतलब जिनके पास पिंक डायमंड ज्यादा है वो आराम से हो पाए कि ये जल्दी आने वाला है, चिंता ना करो। तो आइए स्टार्ट करते गाइस। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि फ्री फायर का सबसे बेस्ट अपडेट है ये फ्री फायर का, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे चेंजेस हम लोग को देखने को मिले जो शायद से हम लोग कभी देखने को ना मिले हो। ठीक है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग कल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो फ्री फायर को अभी भी गाली दे रहे, गलत सलत बोल रहे, तो उनको अभी मैं पॉइंट रखूंगा जो बोल रहे सही बोल रहे कि गलत बोल रहे, ये सब भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आइए गाइस बात करते हैं पिंक डायमंड्स के ऊपर। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाऊँ, यहाँ से नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं आप लोग को दिखाऊँ तो स्टोर में जाके रिडीम का ऑप्शन, ये शायद से स्लो चल रहा है मेरा नेट, मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है। हाँ, ये रिडीम के ऑप्शन में जाके गाइज अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि पिंक डायमंड जो यहाँ पे एक ऑप्शन हुआ कहता था वो हो चुका है गायब, यहाँ पे अभी हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, और अभी आप लोग बोलोगे गाइज पिंक डायमंड देखने को मिल जाएगा, तो जी हाँ गाइज अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो आप लोग को पिंक डायमंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी भी। अभी वो कहाँ गया रिडीम का ऑप्शन, ये मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। एक्चुअली जब मैंने फ्री फायर से बात की, क्योंकि जो मेरे पहचान के उनसे मैंने बात की, तो उनका बोलना था कि दो तीन बग्स ऐसे हुए हैं कि कुछ चीज़ें गायब हो गई और कुछ चीज़ें हल्का सा मिस्टेक हो गया है। जैसे कि अगर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो लाइक का ऑप्शन है ये हल्का सा मिस्टेक हो गया है फ्री फायर में, और ये जो पिंक डायमंड है, और पिंक डायमंड मिस्टेक नहीं हुआ, बेसिकली उन्हें जानबूझ के वो चीज़ को गायब किया है, क्योंकि एक्चुअली बहुत लोग को इश्यू हो रहा था ज़्यादा से ज़्यादा पिंक डायमंड्स कलेक्ट करने पे, तो उसमें कुछ चेंजेस दिखने वाले हैं। एंड प्लस जो रिवॉर्ड्स थे, जो पिंक डायमंड्स में पहले रिवॉर्ड्स थे, वो भी सब चेंजेस होने वाले हैं। तो इसलिए मैं गाइज आप लोगों को बहुत पहले से बोले जा रहा था कि जिसने भी अब तक पिंक डायमंड्स नहीं कलेक्ट करना चालू किया है प्लीज़ कलेक्ट करना चालू कर दो। मेरे ये आईडी में जीरो है, बट मैं दूसरे आईडी में मैं इकट्ठा करते रहता हूँ और मैं उसको डायमंड रॉयल या तो फिर लक रॉयल या तो जो भी वाउचर्स आते हैं उसमें मैं डालता रहता हूँ। तो अभी भी आप लोग के पास टाइम है 20 दिन, ठीक है 20 दिन टाइम है, आप लोग को जितना इकट्ठा करना आप लोग कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हम लोग को पिंक डायमंड्स में देखने को मिलने वाले हैं, जो शायद से आज रात को 12 बजे से या तो 4 बजे से चालू हो जाएगा वो चीज़ हमको दिखना, जो अभी हमको नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए गाइस जिसने भी अब तक जो भी सोच रहा था ये कि पिंक डायमंड्स चला गया है, किधर गया है, क्या करने गया है, घूमने तो नहीं गया, तो कहीं घूमने उमने नहीं गया, सिग्नल पे रुका है, कुछ उसमें खराबी हुई है, वो उसमें सुधार किया जा रहा है फ्री फायर के द्वारा और आप लोग को वापिस से पेश किया जाएगा, तो इसलिए फ्री फायर को गलत बोलना छोड़ दीजिए। फ्री फायर जो भी कर रहा है हमारे भले के लिए कर रहा है। और गाइस मैं अभी आप लोग को एक चीज़ भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे तो आप लोग को एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा कंट्रोल्स में जाने के बाद, डैमेज इंडिकेटर का। ठीक है, डैमेज इंडिकेटर का आप लोग को नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, और बाद में ये इन गेम टिप्स जो है ये भी हम लोग को नया देखने को मिलेगा। अब वो क्या है वो मुझे नहीं मालूम, मैंने क्योंकि अब तक यूज़ करते हुए नहीं देखा है, जब मैं उसको यूज़ करूँगा तो मैं आप लोग को अच्छे से बता पाऊँगा कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। शायद से मेरे पहले भी था या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैंने आज देखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा कंट्रोल्स खोलता नहीं, क्योंकि मेरा एक ही कंट्रोल्स रहता है तो एक ही रहना अच्छी बात है, क्योंकि बार बार खोलना बेकार हो जाता है गाइज। उसके बाद गाइज बाकी सब सेम ही है। हाँ गाइज, और एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पे FF टोकन पे जाओगे, ठीक है मैं यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे रिडीम में जाके FF टोकन पे जाओगे और एकदम नीचे करोगे, ठीक है एकदम नीचे करोगे, तो आप लोग को एक ड्रेस देखने को मिलेगा। अगर आप लोग, क्योंकि बहुत ही यूनिक ड्रेस मेरे को तो लगा गाइज, ठीक है बहुत ही सही लग रहा है। अगर आप लोग लड़के भी हो तो क्या हुआ, ऐसा यूनिक आप लोग करके आईडी अपना बेच सकते हो इतने सारे कॉस्ट्यूम्स इकट्ठा करके, एंड बेसिकली ये वापस नहीं आएगा, ठीक है ये एक ही बार आता है, एक ही बार आएगा,
उसके बाद वापिस हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो जिसने भी अभी तक जिसके पास है वो जाके ले सकता है एंड यूज़ करके देखो, बहुत ही अच्छा है। मैं तो लेने वाला हूँ इसलिए मैं शायद से अभी इकट्ठा करूँगा उस चीज़ को, कम से कम 250 चाहिए। और अगर मेरे ख्याल से बहुत लोगों के पास 250 होगा, और जैसे कि आप लोग को मालूम है सेल्फी मोड भी आ ही चुका है फ्री फायर में, ठीक है, ये भी आप लोग ले सकते हो, फ्री है गिल्ड टोकन रैंक टोकन से। तो आज के वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।